मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू आवर टॉपिक रिलेटेड टू पॉपुलेशन। इन आवर प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉजिकल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, तो आज हम लॉजिस्टिक मैनर में देखेंगे। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में देखा। ठीक है, वहाँ पे हमने एसर्सिया कोलाई का एग्जांपल लिया था और हमने देखा पावर के मैनर में, यानी कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवा दिए जाएं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को, तो उसका नंबर जो है वो क्या हो सकता है, वो डबल हो सकता है। ठीक है, जगह किसी भी ऑर्गेनिज्म एनिमल की बात करें, ठीक है, तो उसका नंबर जो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको सारे ही अनलिमिटेड फॉर्म है तो वो क्या करेगा, जो उसकी इंटरनल एबिलिटी है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, उसका यूज़ करेगा और वहाँ पे नंबर जो है उसका डबल कर जाएगा और वहाँ पे पावर की फॉर्म में जो वो नंबर इंक्रीज करता है। सेकेंड थिंग हमने देखी थी एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाता है, जे शेप का जो वो फॉर्म होता है, और वहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन था वो भी देखा था। ठीक है, एंटी इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, ये फाइनल था उसका। ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी, देन इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ई जो है बेस है, एंड आर टी, आर इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड टी जो था उसका उस पर्टिकुलर टाइम का, एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर। तो आज हम लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक तो जो हमारा कर्व बनता है, ठीक है, वो सिग्मॉइड मैनर, सिग्मॉइड होता है। ठीक है, यानी कि एस शेप का यहाँ पे फॉर्म होता है ग्राफ जो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, कैसे जो है नेचर ने क्या किया हुआ है। ठीक है, आप बैक्टीरिया के केस में देखा वहाँ पे नंबर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब नेचर ने भी क्या है, कोई भी चीज़ मतलब इस अनलिमिटेड मैनर में जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो इंक्रीज़ करेगी अनलिमिटेड मैनर में, ठीक है, अगर उसको अनलिमिटेड चीज़ें दे दी जाएँ इस पर्टिकुलर स्पीसीज को, तो क्या हो जाएगा, वो इन अपनी इनहेरेंट जो एबिलिटी है उसका यूज़ करेगी और उन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या हो जाएगी, हमारे वहाँ पर स्पेस की स्कार्सिटी हो जाएगी, ठीक है, फूड की कमी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो वो फॉर्म हो जाएंगी। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है, कुछ चेक पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, नेचर ने कुछ चेक पॉइंट्स जो वो फॉर्म कर दिए हैं ताकि उनका जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, उसका नंबर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना करें, एक लिमिटेड मैनर में रहे। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, तो हमारी जैसे पॉपुलेशन है, तो अगर यहाँ पे क्या किया जाए, इस तरीके से नंबर अगर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज का अगर हम यूज़ करें और जो हमारी इनहेरेंट एबिलिटी है, ठीक है, उसका यूज़ करके, तो अगर ज़्यादा वहाँ पे चार्ट को फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन जो वो ट्रिलियन में चली जाएंगी। ठीक है, तो मतलब नेचर ने कुछ चेक पॉइंट बना दिए हैं कि पॉपुलेशन जो वो अगर अनलिमिटेड भी है तो हम उतने ही सोर्सेज का यूज़ करेंगे, ठीक है, और वहाँ पर पॉपुलेशन जो वो मेंटेन रहेगी। तो जैसे गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, तो अब बोला हुआ है जैसे 1 या 2 चाइल्ड के ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिसीज वगैरह, वो रूल्स वगैरह भी फॉलो किए जाते हैं। तो अब आपने आजकल के टाइम में देखा होगा, ठीक है, ह्यूमन में जो है वो मोस्टली 1 या 2 चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की है, ठीक है, तो नेचर ने उसके लिए क्या है, कुछ लिमिटेड सोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, नेचर जो वो कभी किसी स्पीसीज को अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं देता है, वो उसके लिए क्या करता है, किस पर्टिकुलर स्पीसीज को है लिमिटेड सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और उन लिमिटेड सोर्सेज के लिए, अब देखिए नेचर है हमारा, ठीक है, ये क्या करेगा, किसी भी स्पीसीज को अगर वहाँ पे हो जाएगा तब तो हर चीज़ की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए नेचर ने क्या किया है, कुछ लिमिटेड सोर्सेज जो हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाता है पर्टिकुलर स्पीसीज को, और इन्हीं लिमिटेड सोर्सेज का इनको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। अब जितनी स्पीसीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब एक ही तरह की स्पीसीज है तो उनको यहाँ पे आपस में कम्पीट करना पड़ता है। ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा उनके बीच में इन चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी को वहाँ पे जब रहना है, सर्वाइव करना है, तो यहाँ पे कंपीट करना पड़ेगा,
रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए करना पड़ेगा, स्पेस के लिए करना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनके बीच में अब नेचर तो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज ही देगा इनको, ठीक है, वो अनलिमिटेड नहीं देगा कि उनकी पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज़ कर जाए, तब तो नेचर का सारा ही बैलेंस जो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसलिए नेचर जो वो लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, और उसी में उनको आपस में कम्पीट करना पड़ता है। अब आपस में कम्पीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल वहाँ पे कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है, तो वो फिटेस्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम डार्विन की जो थ्योरी थी कि उसके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन की, उसके बारे में तब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो फिटेस्ट होगा वो ही क्या कर पाएगा, वो ही उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है, उसी के सर्वाइवल चांसेस जो हैं वहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर वो सर्वाइव कर गया तो वो रिप्रोड्यूस भी करेगा, ठीक है, और वहाँ पे अपनी प्रोजेनिस जो वो फॉर्म करेगा, लॉट्स ऑफ प्रोजेनिस वो फॉर्म करी जाएंगी और पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लो ये आपका लीफ है, ठीक है, ठीक है, ये लीफ है। अब यहाँ पे जो है एक इंसेक्ट जो वो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये है ग्रीन कलर का। अब ये जो आपका लीफ है ये भी कैसा है, ग्रीन कलर का ही है यहाँ, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है यहाँ पे। और सेकंड जो है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड जो इंसेक्ट है वो कैसा है आपका, वो है मान लो अब मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर का है और ये आपका ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू का। या अब मेरे पास है नहीं मार्कर कोई, तो ठीक है इसको मान लो ये रेड कलर का है, तो मैंने कलरिंग के लिए ब्लू से ही शो कर दिया है, तो ये आपका रेड कलर का मान लो, ठीक है, और ये आपका ग्रीन कलर का है। अब लीफ्स में क्या होगा, देखिए जो ग्रीन कलर का है ना लीफ कैसा है आपका, लीफ भी आपका ग्रीन कलर का है, और ये जो इंसेक्ट है वो भी कैसा है वहाँ पे, वो भी ग्रीन कलर का है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है, ये जब आएगा ना प्रीडेटर यहाँ पे जो इनको ईट करते हैं, ठीक है, जब वो प्रीडेटर आएगा तो उसको ये ग्रीन वाला तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का जो इंसेक्ट है वो उसको देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने क्या है, उसने अपने आप को यहाँ पे क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या हो गया है, नेचुरली सिलेक्ट हो चुका है ये, तो इसका क्या है, ये गुड रिप्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी वो भी ज़्यादा है, तो ग्रीन ये कवर हो जाएगा, तो ये जो आएगा प्रीडेटर जो है वो उसको देख ही नहीं पाएगा ग्रीन को, और ये रेड कलर का है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, ये कलरिंग वाला दिख जाएगा तो इसको ये क्या करेगा, ये ईट कर लेगा इसको, ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, कितनी भी इंक्रीज़ करे तो एक टाइम में ये क्या करेंगे, प्रीडेटर जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, इसको सारा ही ख़त्म करेंगे। तो ये जो ग्रीन वाला है इंसेक्ट, इसने अपने आप को क्या कर दिया है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिवली जो है वो यहाँ पे फिट हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पे इसको कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है, जैसे प्रीडेटर आएगा भी वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा यहाँ पे, और जब इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा लीफ में, क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा ही होता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे है फिर, तो इस तरीके से ये इंसेक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, इनकी सर्वाइवल जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो नेचर में क्या है, कैपेबिलिटीज़ हैं लाइफ को सस्टेन करने की, ठीक है, नेचर ने क्या किया हुआ है यहाँ पे, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बेटर फॉर्म में लाइफ को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे नेचर के पास कैपेबिलिटी है, उसने अपने कुछ चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है, ताकि इनका स्पीसीज़ का नंबर जो वो यहाँ पे इंक्रीज़ ना करें। तो नेचर के में जो भी हैबिटेट हैं, ठीक है, जो जैसे गिवन हैबिटेट हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इनफ फॉर्म में जितनी ज़रूरत है, ठीक है, इनफ फॉर्म में रिसोर्सेज जो हैं या लिमिटेड फॉर्म में रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज को, ठीक है, ताकि वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो वो फॉर्म हो सके, ठीक है, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको क्या करना है, वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज़ करेगी, नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होगा, आपको पता है लिमिट होगा, इनफ फूड होगा, तो वो उसके पास उतनी कैपेसिटी है, ठीक है, जिसे बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी, नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है। अब कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअली में होती क्या है,
नेचर ने क्या किया हुआ है ना, नेचर का जो पोटेंशियल है उसने सिर्फ उतनी ही स्पीसीज के लिए वहाँ पे क्या किए हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू का देखते हैं, जैसे नेचर ने क्या है सिर्फ 100 स्पीसीज के लिए ही क्या किया हुआ है, यहाँ पे फूड और स्पेस जो है वो प्रोवाइड कर रखा है। ये नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है, उसका पोटेंशियल है, ठीक है ना। उसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, उसने सिर्फ 100 स्पीसीज के लिए यहाँ पे फूड और स्पेस रखा हुआ है। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज और आ जाती है, ठीक है, तो 100 और एंटर कर जाती है। अब लेकिन नेचर ने तो यहाँ पे क्या रखा है, फूड के रिसोर्सेज जो हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ 100 स्पीसीज के लिए है। अब 99 तो उसका कर लेंगे अच्छे से यूज़, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जो बच जाएगा, अब ये 2 रह गए ना यहाँ पे, क्योंकि 101 ये भी है और ये लास्ट वाला, तो इन 2 को जो है वो आपस में इन रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसमें तो उतनी ही लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है जो दे रखी है, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ 100 स्पीसीज के लिए ही क्या है, फूड और स्पेस है, इससे ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर क्या होता है, यहाँ पे एक स्पीसीज जो वो और आ जाती है, तो उनको फिर आपस में क्या करना पड़ेगा, फूड के लिए, स्पेस के लिए, हर चीज़ के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। और जो अब इन 2 में जो लास्ट के 2 रह जाएंगे ना, उनको आपस में कम्पीट करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। अब ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से कम्पीट करके फिट हो जाएगा, ठीक है, उन रिसोर्सेज को क्या करेगा, फाइट करके एक दूसरे से या कम्पीट करके उनसे ले लेगा वो रिसोर्सेज, ठीक है, जो फिट हो जाएगा वहाँ पे रहने के लिए और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर लेगा, वो यहाँ पे फिट हो जाएगा रिप्रोडक्टिवली, उसको नेचर वहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और जो दूसरा है जो नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको क्या है यहाँ से डिक्लाइन यानी कि इलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी तो वो निकल जाएगा। तो उसी को कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि नेचर का कितना पोटेंशियल है, ठीक है, कितने लोगों के लिए वो स्पेस और फूड जो है ये स्पीसीज के लिए प्रोवाइड करवा रहा है, उसी को उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल के लिए वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है फूड, ठीक है, उनकी कितनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है उन लिमिटेड रिसोर्सेज में, दैट इज़ कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट नेचर। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, लॉजिकल ग्रोथ के बारे में, ठीक है, यहाँ पे ही पहुँच रहे हैं अब हम। तो एक पॉपुलेशन जो है, ठीक है, जहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज रह रही हैं अपने हैबिटेट में, ठीक है, वहाँ पे क्या है, नेचर ने लिमिटेड जो है रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो उनकी जो इनिशियली जो है, तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे जो ग्रो करते हैं। देखिए, आप किसी नई जगह पे जाते हैं ना, तो आपको भी एडजस्ट होने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो आपको भी एडजस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्या बोला, सिग्मॉइड ग्राफ बनता है, ये तो इसकी मैंने बता दी आपको कैरिंग कैपेसिटी, अब आपको क्लियर होगी अभी इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है, ठीक है। यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी, और यहाँ पे इन रिलेशन जो वो टाइम के कंपैरिजन निकालते हैं, हम क्या निकाले हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ ये जो आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितनी है। अब टाइमिंग मैटर करता है, आप कितना टाइमिंग ले रहे हो, मंथ के अकॉर्डिंग चले हो, ईयर के अकॉर्डिंग चले हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे पर्टिकुलर, तभी हमने टी से डिनोट करा है, ठीक है। तो कितनी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, उस एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कितने वहाँ पे नंबर है उनका, ठीक है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से। और ये कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि लिमिटेड जो उन्होंने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, ठीक है, इस तरीके से जो है वो कर्व एस शेप में, हमने क्या बोला, लॉजिकल ग्रोथ पैटर्न में जो है वो हमारा कर्व जो है वो सिग्मॉइड होता है। सिग्मॉइड क्या बोलते हैं, एस शेप कर्व होगा, ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका टाइम है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी 0 है, ये भी 0 है, ये इसका इनिशियल फेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कितनी कम हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टाइम, जैसे टाइम जो है वो आगे आगे बढ़ रहा है। अब किसी भी नई जगह पे जाओ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कोई भी स्पीसीज कहीं पे जाएगी जहाँ उसका हैबिटेट है, तो वहाँ पे क्या चलेगा, पहले वो धीरे धीरे ग्रो करेगी, वो उन चीज़ों को देखेगी वहाँ पे किस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लैग फेज चलता है, ठीक है, आपको पता है यहाँ से ये लैग फेज है। देखिए कितने कम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए कितना कम था,
और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा नंबर जो है, अब वो वहाँ पे रहने के लिए क्या हो गए हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने देख लिया कि वहाँ का क्या है, किस तरीके का रहने का तरीका है, ठीक है। तो वो अब वहाँ पे हैबिचुअल हो चुके हैं जगह पे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो वो फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज़ कर जाती है, यानी कि एक्सेलरेशन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेट कर दिया ना, यानी कि इसका कौन सा फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है, एक्सेलरेट करती है। उसके बाद जो है फिर इसका नंबर जो है डिक्रीज़ होना है, देखिए यहाँ पे डिक्रीज़ कम हो गया है नंबर, यानी कि डी एक्सेलरेट करती है, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डी एक्सेलरेट करेगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर जो है वो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे जाके स्टेबल बन जाता है, ठीक है। स्टेबल नंबर जो वो यहाँ पे अपना क्या कर लेती है, ये फॉर्म कर लेती है। तो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे आप देख रहे हो स्टेबल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आगे जाके इंक्रीज़ नहीं करेगा, इसका नंबर जो स्टेबल हो जाएगा, ये स्टैटिक हो जाएगी, सिंपोर्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ठीक है, जब कहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल नए हैबिटेट में जाता है तो फर्स्ट टाइम क्या है, वो उस हैबिटेट से क्या है, मतलब नहीं जाता, जानता है उस हैबिटेट के बारे में, ठीक है, कैसा वहाँ पे क्लाइमेट है। तो धीरे धीरे जो उसकी पॉपुलेशन में कम चेंज आ रहा है, ठीक है, अभी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो लैग फेज है, इसमें बहुत कम चेंज आता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ पे वो क्या है, आसपास की चीज़ों को देखता है, कैसा है, कैसा वहाँ का माहौल है, वो सारी चीज़ें देखे, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे जो वो उस जगह के लिए, उस हैबिटेट के लिए अडेप्टिबल हो जाता है। और जब अडेप्टिबल हो जाएगा, ठीक है, वो उसका देख लेगा कि कैसा क्लाइमेट है, कैसी वहाँ पे कंडीशन है, वो सारी चीज़ें देख के, तो फिर उसका नंबर जो वो क्या करने का लगेगा, वो ग्रो करने लगेगा, ठीक है, उसका नंबर जो वो एक्सेलरेट होने का लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो वो स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग भी, और यहाँ पे क्या गया, जब वो वहाँ पे अडेप्टिबल हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे उसका नंबर जो वो क्या है, एक्सेलरेट बढ़ गया अब नंबर यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली जो वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो फिट हो चुके हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, अब उनका नंबर एक्सेलरेट कर गया, चेंज कर गया, और उसके बाद जो वो डी एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो फिर नंबर क्या है, कम हो गया है, ऐसे पे है ना, तो थोड़ा सा लेस हो गया नंबर, तो यहाँ पे इसका नंबर जो वो लेस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी एक्सेलरेट कर जाएगा, और उसके बाद वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, स्टेशनरी फॉर्म में आ जाएगा, इसके बाद नंबर जो वो चेंज नहीं करता है। तो हम प्लॉट जो है ये बनाया हुआ है, ठीक है, एन इन, एन क्या है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, इन रिलेशन टू टाइम जो है, तो हमारा रिजल्ट जो है ये सिग्मॉइड कर्व जो वो हमें फॉर्म हो जाता है। द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इस टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या बोला जाता है, बर्कहार्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, तो इसको बर्कहार्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोला जाता है कर्व को, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब देखिए इसकी एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन जो वो कैसे आएगी, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, इसमें आएगा डी एन ओवर डी टी, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से कितनी चेंज कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या निकाली थी, जो हमारा एक्सपोनेंशियल था आर एन आई थी, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू, और के जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर एन, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, नेचर की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि कितनी वहाँ पे रिसोर्सेज देने की जो कैपेसिटी है उसको कैरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्पीसीज के लिए वहाँ पे फूड स्पेस जो है वो प्रोवाइड है। तो ये हमारा के माइनस एन जो आ गया वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ओवर के, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न के लिए जो वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कैसे जो है पॉपुलेशन में चेंज आता है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखा कि पॉपुलेशन जो है वो एक क्या है, डायनेमिक चेंज है, ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन जो वो इंक्रीज़ करती रहती है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे फूड है, ठीक है, प्रीडेशन मेथड है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, या वेदर कंडीशन है, तो वो क्या करती है, पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्लाइन भी कर सकती है। अगर हमें एक पर्टिकुलर एरिया की वहाँ पे क्या करनी है,
पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो फोर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे, इमाइग्रेशन कितनी हो रही है, ठीक है, ई माइग्रेशन कितनी हुई है, कितनी बर्थ हुई है, यानी कि नेटलिटी रेट कितना है, उसका जो है वो मोर्टेलिटी रेट कितना है, ठीक है। फिर हमने कर्व के थ्रू देखा एक्सपोनेंशियल में जो वो पावर वैल्यू जो वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। पावर वैल्यू जो है वो हमने बताई आपको एसर्चे कोलाई में, बैक्टीरिया में जो वो नंबर जो उसका वो डबलिंग में हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ह्यूमन के केसेस में वो फॉर्म नहीं होता है। और वहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल में जो कर्व आता है आपका वो कैसा आता है, जे सेप कर्व जो वो आपने देखा वहाँ पे फॉर्म होता है। अगर हमने बोला कि अगर हम स्पीसीज को, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाए तो उनकी जो इनहेरेंट एबिलिटी होती है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने की, तो वो मैक्सिमम होगी वहाँ पे, ठीक है, तो वो डबलिंग और ट्रिपलिंग के फॉर्म में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि नेचर ने क्या है कुछ चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो नेचर का जो बैलेंस है, जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो सारा ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ कर रही है, कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सपोनेंशियल में हमने देखा पावर की फॉर्म में जो है जो बैक्टीरिया नंबर देखा हमने, ठीक है, कैसे जो वो इंक्रीज़ करता है और जे से जो वो फॉर्म करता है। सेकंड हमने लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न की बात करी तो यहाँ पे सिग्मॉइड मैनर में आ जाता है, ठीक है, एस शेप होता है। तो वहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल की जो थी, ठीक है, वो एक्सप्रेशन देखी थी तो क्या बनाई थी, एन टी इक्वल टू एन जीरो ई उसका बेस आ गया देन आर टी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारी आ गई थी, ठीक है। और टोटल जो हमने लिखा था वहाँ पे कितना चेंज आता है तो क्या आई थी हमारी डी एन ओवर डी टी, टोटल चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया इक्वल टू क्या निकला था हमारा आर एन, और आर क्या था हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर था, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलर कितनी बर्थ हो रही हैं, ठीक है, और कितनी जो है वो डेथ हो रही है, तो वो पर्टिकुलर हमारा वहाँ पे रेट आ गया था, तो जिसको हमने आर से डिनोट किया था, इंट्रिंसिक फैक्टर कितना है, ठीक है। फिर हमने लॉजिस्टिक में बात करी, जैसे ह्यूमन में है तो नेचर ने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज ही नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, नेचर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितने स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए वो फूड प्रोवाइड करवाएगा, तो वो उतने के लिए करवाता है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा है वहाँ पे तो उनको कम्पीट करना पड़ेगा नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, जो वहाँ पे कम्पीट कर जाएगा फिट हो जाएगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा और उसके ही सर्वाइवल चांसेस वहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। तो यहाँ पे ऐसे पा जाता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जहाँ पे न्यू स्पीसीज आई हुई है ना एक पर्टिकुलर एरिया में, तो अभी तो जीरो है, तो धीरे धीरे वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे एडजस्ट होने लगी, तो स्टार्टिंग में जीरो है, धीरे धीरे इसकी क्या होगी, रिप्रोडक्टिव पावर भी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पे एनवायरनमेंट से कोप करने लगेगा, ठीक है, वहाँ पे रहने लगेगा, तो वहाँ पे उसके धीरे धीरे क्या करेगी, पॉपुलेशन जो वो एक्सेलरेट करेगी, फिर यहाँ पे डीएक्सेलरेट करती है देन स्टेबल आ जाती है। तो ये हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे इंट्रैक्शंस के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन जो है म्यूचुअलिज्म के बारे में, ठीक है, एमेंसलिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन के बारे में, कौन से ऑर्गेनिज्म जो वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, पैरासिटिज्म के बारे में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट जो है लेक्चर का, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।